नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज शोन इन द फिगर अ मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट एंड कंप्लीट सर्किट, द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, इफ द रेजिस्टेंस इज 3 ओम फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विद अ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लेंथ है 50, एल की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 3 ओम, करेक्ट है। तो फोर्स की ज़रूरत कितनी है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, अगर इसमें ये मूव करेगा तो करंट मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड है, तो मोशनल ईएमएफ के अकॉर्डिंग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे, और मोशन कर रहा है रॉड राइट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड है तो मिडिल फिंगर शो कर रहा है ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ जाएगी, इसका मतलब करंट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब है हाई पोटेंशियल इधर हो गया, लो पोटेंशियल इधर हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा होगा सारा का सारा, और यानी ये मूव करेगा ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव ये छोटा सा बना दो, नेगेटिव ऐसे। ठीक है, ये बना दिया हमने। चलो अब अगर रॉड मूव कर रहा है तो करंट जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी करंट की वैल्यू होती है ई अपॉन आर होती है, ई एम एफ की वैल्यू कितनी होती है, BLV होती है, तो ये मैं वैल्यू BLV हमने लिख दिया डिवाइड बाई R, करंट की वैल्यू हो गई। और फोर्स कितना लगता है, फोर्स की वैल्यू जब ये रॉड मूव करता है तो फोर्स कितना लगता है, तो उसमें करंट जो फ्लो हो रही है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ILB होती है, ILB ये होती है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ILB। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें I की वैल्यू दी हुई है BLV बाई R, और लेंथ ऑफ द रॉड दिया हुआ है L, ठीक है, इनटू B, तो कितना हो जाएगा ये, अगर ध्यान से देखो B square L square V by R, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं, B की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.15 का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द रॉड 0.5 का स्क्वायर इंटू स्पीड कितनी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा 0.0225 ये हुआ, इंटू 0.5 को का स्क्वायर कितना होगा 0.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो एक मिनट 0.225 इंटू दिस इंटू दिस कितना आएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख लें 225 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट है, ये कितना हो जाएगा, ये 50 होगा, ये 50 225 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, करेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, इसको लिख सकते हैं 225 इंटू 5 बाई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें 5 25 10 12 1 10 और 11 बाई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें कितना आएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं साइड में 3 से कटेगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी 3 से 9 टाइम 3 3 और 2 2 3 7 1 5 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 375 इंटू 10 पावर माइनस 5, ठीक है 0.5। अब इसको आप लिख सकते हैं 3.75 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिख सकते हैं ना, इसको देखो इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 375 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, इसको लिख सकते हैं 3.75 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसमें 3.75 इंटू 10 पावर माइनस 3 3.75 ए वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,